गुड इवनिंग गाइज, आज हम लोग सुबह ही वापस आए हैं, लेकिन कल काली पूजा है इसलिए घर में बच्चे लोग हैं तो उसके लिए पटाखा लेने जाना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको भी एक पार्ट बना लेता हूँ। इसीलिए तबीयत थोड़ा सा नासाज है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब कमर में थोड़ा सा लगा है, तो फिर भी ये थोड़ा सा ब्लॉग भी कर रहा हूँ। चलिए हम लोग जाते हैं पटाखे के मार्केट में और थोड़ा बहुत जो है खरीदते हैं। और ऐसा भी है, आपको जानकारी होना चाहिए कि हम थोड़ा सा पटाखा घर में भी बनाते हैं, हल्का फुल्का जो है क्रैकर्स थोड़ा सा घर में भी बनाते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा इंतजाम करना है। तो वी आर गोइंग फॉर दैट, हम चल रहे हैं, आप भी साथ में चलिए, आप लोगों को बाकी आगे दिखाते हैं। जस्ट वी हैव स्टार्टेड, हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं उधर को, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मोटा मोटी 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जाके फिर मार्केट है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं, आगे हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। देखिए पूरा दीपावली का पूरा मार्केट बड़ा बसा हुआ है यहाँ पे। देखिए दिया भी बेच रहा है, हर एक सामान यहाँ पे अवेलेबल है। दुकान में आ गए हैं, चार पाँच नंबर चार एक बेची देवे पलसा उपरे रखबे तो हैप्पी दिवाली। राज होगा ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई, जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई। हेलो हेलो, हम लोग अभी ले लिए, अभी गाड़ी में इसको लोड कर रहे हैं। साथ में थोड़ा सत्तू का जो है लिट्टी भी हो गया, साथ में आलू का चोखा और चटनी, ये भी थोड़ा सा खा लिए। संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतयुगी दुनिया जाने की तैयारी है, जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है, छोड़ी कलियुगी दुनिया ये धरा भी गाती है। यही क्रैकर्स हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, ये अपना हाथ का बना हुआ है। तो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, सबाई भलो थकबें, अवश्य काली पुजो एंजॉय करबें, सावधाने काली पुजो बाजी फाटबें, ধন্যবাদ, গুড নাইট।